हेलो हाय नमस्ते स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में। सो गाइस आज हम अभ्यास करेंगे वॉरियर पोज जिसे कि वीरभद्रासना कहते हैं, लाइक वॉरियर पोज वन करेंगे। सो गाइस बहुत दिन के बाद लाइक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। सो क्लाइमेट भी सही नहीं है, बारिश नहीं है, सही प्लेस भी नहीं है शूटिंग के लिए। सो अभी मैं लाइक योगा बेसिक्स का जो सीरीज है वो फिर कंटिन्यू करूँगा, वीकली एक बार ये वाला वीडियो डालूंगा। सो गाइस विदाउट डिले चलिए आज अभ्यास करते हैं वॉरियर पोज जिससे कि बहुत सारा बेनिफिट है। आप अगर वॉरियर पोज रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपका थाइस पे ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलेगा, आपका आर्म्स में ओवरऑल स्ट्रेंथ लाइक इम्प्रूव होगा, आपका साइड आर्म्स का लाइक साइड बेली फैट लूज होगा। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू प्रैक्टिस। गाइस लाइक वॉरियर पोज करने से पहले हम थोड़ी लाइक थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं पहले, जैसे पहले कैट काउ पोज। एंड क्योंकि इसमें ना हमारा थाइस एंड लोअर बैक एंगेज रहेगा तो मेक श्योर आपका लोअर बैक अच्छे से लाइक वार्म अप हुआ है, ओके। इसीलिए हमें थोड़ा कैट काउ पोज करना पड़ेगा। Then relaxing child pose, ओके। सो वॉरियर पोज पहले अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर आपका दोनों लेग्स का बीच में 3 to 4 feet का डिस्टेंस है मिनिमम। सपोज आप पहले लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट फिट ऐसा टर्न कर दीजिए, फिर आपका राइट फिट आप पैरेलल ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ा लाइक थोड़ा इनर टर्न कर सकते हैं, अंदर मतलब इन कर सकते हैं थोड़ा। फिर यहाँ पे आपको आपका लाइक अपर बॉडी ऐसा पूरा टर्न करना है पूरा लेफ्ट साइड। देन आपको आपका जो लेफ्ट एंकल है सॉरी नी है आपको थोड़ा ऐसा आगे 90 डिग्री पे लाना है, एंड आपका लेफ्ट नी ऐसा पूरा सीधा करके दोनों हाथ ऊपर करना है ऐसा। अगर हाथ जर्न नहीं हो रहा है तो आप ऐसा अपन करके थोड़ा पीछे आप ऐसा बेंड हो सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसा आपका हिप का ऊपर रख के ऐसा ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए, देन एक्सहेल करके रिलैक्स कम टू नॉर्मल पोजीशन। देन सेम वे में आपको आपका राइट फीट ऐसा सीधा टर्न करना है, देन आपका लेफ्ट फीट ऐसा थोड़ा अंदर टर्न करके फिर आपका राइट नी को ऐसा सीधा करना है, मेक श्योर 90 डिग्री में है, देन जितना आगे होगा उतना पुश कीजिए, ओके। देन आपका शोल्डर टर्न कीजिए ऐसा, हाथ ऊपर कीजिए, स्टे हियर मिनिमम 20 to 30 seconds। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिप में से हाथ रख के ऊपर देख सकते हैं। नाउ कम टू नॉर्मल पोस्चर, टर्न कीजिए राइट फीट, देन कम टू नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर, देन थोड़ा आपका जो थाइस थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए आराम से। सो गाइस ये वाला जब आसन है आप जरूर घर में लाइक अभ्यास कीजिए, बहुत सारा बेनिफिट है। आप अगर रेगुलर अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आप एक वॉरियर की तरह लाइक आर्मी मैन की तरह आप स्ट्रांग रहेंगे। देन सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।